मंदिर जो फेमस है गाइस काली माता जी के नाम से फेमस है, जय हो माता जी की, जय हो माता जी की। तो ये है मंदिर। बहुत ही ब्यूटीफुल टेंपल है, जैसे पराशर मंदिर का नहीं बना हुआ टेंपल, सेम ही टेंपल लगता है देखने में। क्या बात है गाइस, हार्ड टू पिक टेंपल, 0 किलोमीटर। लो जी गाइस फिर पहुंच गए हैं, और यहाँ पे स्नो है बट रोड पे इतनी स्नो नहीं है। स्नो की टूटने की आपको आवाज़ आ रही होगी, तो ये काफ़ी लोग गए हैं ऊपर मंदिर, उसके जूतों के निशान हैं। जय हो बाबा, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। जय हो बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। हो ये है टेंपल, टेंपल के द्वार पे भी बर्फ गिरी हुई है। जय हो बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बर्फ है गाइस, जबरदस्त व्यू है। तो आपको कराते हैं माता जी के दर्शन, काली माता जी का मंदिर है ये, हाटू पीक। जो ये मंदिर जो फेमस है गाइस काली माता जी के नाम से फेमस है, जय हो माता जी की, जय हो माता जी की। तो ये है मंदिर, जय हो माता रानी। पंडित जी हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे आपको जी। वो जो 5000 साल पहले की जो है पांडव के नाम से प्रसिद्ध है जी, और वो मतलब जो है स्थापना भी पांडवों ने की है, और यहाँ से जो है ये काली माता के नाम से प्रसिद्ध है, और ये हाटू जो है जगह का नाम है, हाटू माता के नाम से ये माता प्रसिद्ध है जी। और यहाँ से आगे को जो है मतलब ये जो है कोट काली का भी मंदिर है, वो दूसरी जगह में साथ में ही पार्क को दिख रहा है जी, आगे को है कोट काली माता का मंदिर है। ये काली रूप में प्रसिद्ध है, और आठ कोटी में जो है दुर्गा रूप से प्रसिद्ध है जी। जय माता दी, थैंक यू पंडित जी, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी काफ़ी अच्छी दी है, थैंक यू वेरी मच। जय माता रानी, जय माता रानी। तो ये है कुछ सराउंडिंग का व्यू, ये देखिए, और ये यहाँ का सराउंडिंग का कुछ व्यू। तो ये देखिए, ये जबरदस्त व्यू है गाइस, और सामने बर्फ जमी है माउंटेन्स के ऊपर, ये तो काफ़ी देर दिखाई रही है आपको। और ये है, और वहाँ पे सराय भी है देखिए आप रुकने के लिए, और उधर PWD का गेस्ट हाउस भी है गाइस। और सूरज देखिए सर पे हमारे बिल्कुल, और वो सामने देखिए बर्फ से गिरे हुए पहाड़, और वो सामने गए तो PWD का ऑफिस है। सो चलते हैं, जय हो माता रानी, आप भी लाजपरी माता देख लीजिए, जय हो काली। ये जो हाटू मंदिर है ये जो है 5000 साल पहले पांडवों के टाइम का मंदिर है, और उस टाइम से जो स्थापना भी यहाँ पांडवों ने की थी भीमसेन ने, और ये द्रौपदी माता का जो है ये मतलब स्थान है, और महाकाली के नाम से ये है। और यहाँ से जो जैसे मतलब वो जौ बाग थोड़ा सा आगे है, वो जो वहाँ से जो भीमसेन ने जो वो भी डाला था अभी तक जो वहाँ से जी वो पत्थर पेड़ गिरे थे पेड़, हाँ जी वो जो मतलब उठाए थे ना वो पेड़ उखाड़े थे, अभी भी वो मतलब वहीं पे ही है, वहाँ पे है पिंजौर, पिंजौर में है वो जो मतलब वैसे की वैसे जो है छोटे साइज में है, और मतलब वहाँ जो है बढ़ते नहीं है। और तो ये मंदिर काली माता के नाम से, ये मंदिर जो है काली माता के नाम से ही प्रसिद्ध है, और ये मतलब जैसे माता काली यहाँ आई थी पहले जी, और यहाँ से मानो एक स्थान और है इसका जो है दुर्गा माता के नाम से हाटकोटी में प्रसिद्ध है, ठीक है, दुर्गा रूप में जो है हाटकोटी में, ये दुर्गा रूप ये है, और काली माता के नाम से जो है हाटू में प्रसिद्ध है। हाटू नाम जो है ये जगह का नाम जो है हाटू पिक बताया गया। और ये जो मंदिर है काली माता जी, काली माता का मंदिर है जी। और ये जो इधर सामने देखते हैं जी, ये भीमसेन के जो है मतलब जहाँ जो बर्तन बनाते थे ना जी, टेड़े बोलते हुए जैसे जिसमें टिकाने, ये जो है पार्क हो सामने जो दिख रहे हैं जो पहाड़, हाँ जो दिख रहे हैं जिसमें जो बर्तन टिकाते थे, और यहाँ से मतलब जैसे बना खाना खाते हम, और वो जो मतलब वहाँ ले जाते थे और रोटी खाने के लिए ले जाते थे क्रूपड़ पर, अच्छा जी क्रूपड़ पर से जो जब मतलब वहाँ से जाना तो हाथ धोने, वो हाटकोटी जहाँ माता गई ना जी, हाथ वहाँ धोते थे जी,
ठीक है जी। वो उस टाइम भी चमत्कारी ये था सतयुग का टाइम था जी। और इस तरीके से जो है ये कार्यक्रम पांडव के टाइम का चला हुआ था जी। और अब जो है मतलब बाकी तो कलयुग की बात अलग है। ठीक है जी, वो जो है सतयुग की बातें थी। ठीक है ठीक है पुजारी जी, बस बहुत इन्फॉर्मेशन दी आपने जी बाकी। हाँ जी, थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, तो हमारे व्यूवर्स को काफी अच्छी से समझ आ गया होगा जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है। थैंक यू पुजारी जी। चलो जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जय माता दी, जय माता दी। सो गाइस, आई होप आपको ये काफी अच्छी लगी होगी जो मंदिर की स्टोरी बताई है हमें अब यहाँ के पुजारी जी ने। कितनी बर्फ गिरी है, तो इससे बच के जाना होगा बिकॉज बर्फ से मेरी जराबी गिर हो रही है। मैं तो शीतल के पीछे पीछे आ गया। तो ये था गाइज माता जी के बारे में अपडेट जो आपको पुजारी जी ने दिया है, वो खड़े हमारे पुजारी जी। तो गाइज चलते हैं हम यहाँ से आगे, अब अपनी अगली डेस्टिनेशन है जो रामपुर है। रामपुर जाएंगे अभी हम। और ये है सराउंड का व्यू, मेरी कितनी बर्फ गिरी है यहाँ पर, और बीच में इग्लू भी बना हुआ है, इग्लू ये देखिए। और ये देखिए लास्ट दर्शन कर लीजिए माता टेम्पल जी के, टेम्पल माता काली माता जी के। तो जो फेमस है मंदिर गाइज ये काली माता के नाम से है, लेकिन इसका नाम है हाटू पीक, क्योंकि ये पीक काफ़ी हाइट पर है। और ये बर्फ़ देखिए इतनी अच्छी लग रही है, स्नो पड़ी हुई यहाँ पर, बहुत ही अच्छा फील दे रहा है इसको देखकर, ऐसे किसी हम फॉरेन लोकेशन में घूम रहे हैं आपके सामने देखिए। और ऊपर बर्फ़ देखिए कितनी गिरी है माउंटेन्स के ऊपर, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। और तो ये देखिए चेक करने के बाद सामान हमने लेने के लिए सारा ले लिया है, कुछ छूटा तो नहीं, नहीं छूटा है, ग्लव्स ले लिए मैंने, जूते डाल लिया। ठीक है पुजारी जी, ओके, जय माता दी। सो चलते हैं गाइस यहाँ से अब आगे। आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी हाटू पीक की, तो हाटू माता जी काली माता जी का मंदिर दिखाया और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे पुजारी जी आपके साथ शेयर की है। सो गाइस काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वो वीडियो। सो गाइस हम चल रहे हैं यहाँ से, आगे निकल रहे हैं अपने रामपुर के लिए। तो आगे हम जाएंगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो बाकी का अपडेट आपको रास्ते में करते रहेंगे, जहाँ जहाँ हम जाते रहेंगे, जैसे जैसे हम सिचुएशन होगी वैसे वैसे आपको अपडेट करते रहेंगे। तो गाइस आप बने रहिए हमारे साथ अभी वीडियो में। तो ये थी हमारी हाटू पीक की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो गाइस आपको किसी वजह से अच्छी लगी है तो गाइस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल करें सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हो तो। और कुछ जानना हो पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कमेंट गाइस कमेंट करें, आप कमेंट जरूर अपने वैल्यू फीडबैक जरूर अपने कमेंट सेक्शन में दें आप गाइस, तो जिससे हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है, काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलती है। जब कमेंट करते हो आप, लाइक करते हो हमारी वीडियो को, तो उससे हमें लगता है कि आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट हमें बनाना चाहिए आपके लिए। तो ऐसे ही आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे। तो ये थी हाटू पीक की वीडियो, अब हम नीचे जाएंगे यहाँ से। नीचे की वीडियो शायद हो सकता है आपको दिखाऊँ या हो सकता है आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊँ, तो आप बने रहिए गाइस। अभी कह नहीं सकते क्योंकि जब मैं एडिट करने बैठूंगा तब पता लगेगा वीडियो कितनी लंबी होती है। सब चलते हैं नीचे गाइस हम। तो बाइक हमारी जहाँ पार्क है, बाइक हमने जहाँ पार्क की थी तो वहाँ चलते हैं, वहाँ से आपको अपडेट करेंगे और बीच में आपको अच्छे अच्छे शॉट दिखाता रहूँगा गाइस। तो बने रहिए गाइस आप, ठीक है, ओके। तो गाइस व्यू देखिए यहाँ से कुछ, और अभी हम जा रहे हैं PW के सामने, यहाँ गेस्ट हाउस है और बाकी के अपने बंदे भी यहीं फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटोशॉप कर रहे हैं। तो गाइस फोटो आपको रियल टाइम की जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी हमारी इंस्टाग्राम की ID पर, सबकी अपनी अपनी। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें गाइस जल्दी से जल्दी, रियल टाइम अपडेट आपको मिलता रहेगा वहाँ पर। और मेरी इंस्टाग्राम की ID है avs_blog_biker_vishu, सो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। जय माता दी भाई, बैग टांग ला हूँ कौन से वाला, ये मैं पकड़ लेता हूँ। सो गाइज चलते हैं अभी हम यहाँ से हाटू पीक से, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। ला भाई ये अपना दे दे मैंने वाला। सो गाइज चलते हैं अब हम माता जी के मंदिर से, चल रहे हैं अभी हम, और सबके कैमरे फिर से ऑन हो गए चित्र भी लग गया अपनी वीडियो बनाने के लिए। और ये है गेट, एंट्री गेट। सो चलते हैं, जय माता दी। और यहाँ से नारकंडा गाइस 71 किलोमीटर, और सॉरी शिमला है यहाँ से 71 किलोमीटर और नारकंडा है 7 किलोमीटर। और ये देखिए आपके सामने यहाँ पे बर्फ़ के कारण यहाँ की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल हो जाती है। सर्दियों में हमें लगता है कि काफ़ी इंजॉयबल है, लेकिन हम तो इंजॉय करने आते हैं एक दो दिन के लिए, बट जो रहते हैं उनको पता है इतनी बर्फ़ में वो कैसे रहते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो। और अभी हम निकल रहे हैं नीचे, मंदिर से नीचे आ चुके हैं अभी हम माता जी के दर्शन करके, और आपको भी दर्शन कराए हैं काफ़ी अच्छे से, और अभी हम जा रहे हैं नीचे। Music.
मैं भी दो बार गिर चुका हूँ भाइयों। तो ये सुनो, आपको लगता है क्योंकि जो बिल्कुल ब्लैकआउट हो चुकी है, इधर से आ जाओ, ऐसे रखो, ऐसे पैर ऐसे रखो ना, फिर नहीं गिरता बंदा। हाँ पहुँचने अपनी बाइकों के पास, हम पहुँचने वाले हैं अभी। अब काफ़ी लोग आ चुके हैं, जब हम आए थे तब कोई नहीं था यहाँ पर। और ये लीजिए गाइस, ये हमारी बाइकें पार्क यहाँ पर। अंकल जी क्या बना रहे हो, मिल जाएगी? नहीं, आप अपने लिए बना रहे हो कि बेच भी रहे हो? अच्छा बेच भी रहे हो, ये तो बढ़िया, फिर तो नज़ारा ही आ जाएगा। मैगी चाय पी के तो कितने रुपये प्लेट है? 10 रुपये वेजिटेबल प्लेट पीस। अच्छा, और चाय? चाय 15 रुपये। 15 रुपये कप? बढ़िया बढ़िया, फिर बंदे आएंगे उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। हाँ ये तो है, नहीं बढ़िया बढ़िया, तो और नेचुरल बनेगी आग जलाकर। हैं अब ये पूछता हूँ, मैं पीनी की नहीं पीनी? तो आप वहीं पे लगाते हो, हमेशा लगाते हो, हर बार लगाते हो कि कभी कभी? अच्छा हर बार लगाते हो, बढ़िया जी बढ़िया। सो गाइस, अगर आप ट्रैक करके आओगे तो आपको यहाँ पे बीच में जहाँ से ट्रैक शुरू होता है 2 किलोमीटर पहले हाटू पीक से, तो यहाँ मैगी और चाय मिल जाएगी आपको, अगर जो पीने की इच्छुक हो पी सकते हैं। यहाँ पे स्नो बूट भी रखे हुए हैं, लाके स्नो बूट का कितना लेते हो? 100 रुपये रेंट ना, तो ये गम बूट रखे हुए हैं इन्होंने। ये देखिए, अगर आपके पास दूसरे नॉर्मल बूट है तो यहाँ से गम बूट पहन सकते हो आप। लड़कियों के लिए अलग हैं और जेंट्स के लिए अलग हैं। ये देखिए, शीतल बीजी हूँ फोटो खींचने में।